आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में हो रही उथल पुथल के बारे में कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय रुपया लगातार नीचे गिरते जा रहा है। हमारी सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है, इस बारे में RBI का क्या कहना है। अमेरिका समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज में वृद्धि और डॉलर में मजबूती के चलते शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE का 30 शेयरों वाले 1020.80 अंक टूटकर 58098.72 के स्तर पर बंद हुआ। NSE का निफ्टी 302.45 अंक लुढ़ककर 17327.35 पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 4.90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को रुपया भी 30 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 81.09 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में पावरग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 7.93% की गिरावट रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, NTPC, HDFC और इंसेंट बैंक के शेयर भी लुढ़ककर बंद हुए। सेंसेक्स में केवल 3 शेयर सन फॉर्मा, टाटा स्टील और ITC बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। सेक्टरवार इंडेक्स में यूटिलिटीज और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 741.87 और निफ्टी में 203.50 अंक की गिरावट रही है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ने और डॉलर में मजबूती के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक FII उभरते बाजारों से निवेश निकाल रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग में तरलता में गिरावट, भारतीय मुद्रा में कमजोरी और मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन ने बाजार के दृष्टिकोण को छोटी अवधि के लिए मंदी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक आक्रामक मौद्रिक नीति अपना रहे हैं, जिससे वैश्विक विकास मंदी की स्थिति में है। हालांकि क्रेडिट वृद्धि और कर संग्रह में तेजी के चलते भारत बेहतर स्थिति में है। वर्तमान अस्थिरता कुछ समय के लिए बनी रह सकती है। एक तरफ रुपये में कमजोरी की दौर जारी है तो दूसरी तरफ विदेशी का भंडार की तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि RBI रुपये को बचाने के लिए क्या आगे भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 6 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $545.65 अरब पर आ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का यह स्तर 2 अक्टूबर 2020 के बाद सबसे कम है। हालांकि एक सप्ताह पहले से तुलना करें तो मुद्रा भंडार $5.21 अरब कम हुआ है, जबकि अगर मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह से तुलना करें तो मुद्रा भंडार में $61.65 अरब की कमी हो चुकी है। दूसरी तरफ शुक्रवार को मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे कमजोर होकर 81.09 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में एक समय रुपये अभी तक के रिकॉर्ड स्तर 81.23 पर पहुंच गया था। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 83 पैसे कमजोर हुआ था। पिछले 3 दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 135 पैसे टूटा है। इन 3 दिनों की गिरावट के लिए अमेरिका के फेडरल बैंक की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कोटक इक्विटीज के चीफ इकोनॉमिस्ट सुवदीप रक्षित का कहना है कि चालू खाता घाटा बढ़ने की मजबूत संभावना और विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार घटने से अगले 6 महीने में RBI की तरफ से मुद्रा बाजार में रुपये की कीमत को थामने की कोशिश कम होगी। फिलहाल रुपये की कीमत 79 से 83 के बीच बनी रहेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। जय हिंद।